9 बजे मुझे फोन आया कि ये इधर आग लग गई है। फायर ब्रिगेड वालों ने भी बड़ी लेट, वो उनको रस्से नहीं मिल रहा कि किधर जाना है किधर नहीं। थोड़ी देर पहले अभी हमारा बंदा अंदर गया तो वो भी कह रहा है कि अंदर फिर दोबारा आग लग गई है। कुछ डेज में ईद आने वाली है, लोगों ने लाखों रुपया कैश पड़ा हुआ है शॉप से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे भी आपकी भी दुकान? जी जी हमारी भी शॉप है। कितने बजे फ़ोन आया? ये सुबह बस 9 बजे मुझे फ़ोन आया कि ये इधर आग लग गई है। आके देखा तो इधर तो आग ही आग तीनों साइड से, और फायर ब्रिगेड वालों ने भी बड़ी लेट, वो उनको रस्से नहीं मिल रहा कि किधर जाना है किधर नहीं। तो अब देखें क्या होता है क्या नहीं। अभी तो वो कह रहे हैं, अभी इन्होंने क्लियर किया है, अभी हम थोड़ी देर पहले अभी हमारा बंदा अंदर गया तो वो भी कह रहा है कि अंदर फिर दोबारा आग लग गई है। अब कितनी दुकानों में आग लगी? दुकान अभी जो हमें अभी इन्होंने स्टोरी ये बताई है कि अभी वो 3rd फ्लोर पे आग लगी है, 3rd से 2nd पे आई है, 1st पे हमारी शॉप है, 1st पे भी आग लगी है। अभी और जो सारा बच गई है, जो सी बच गई है, हम ये कह रहे हैं कि हमें जो सा हमारा कैश भी अंदर है हमारी शॉप। और ग्राउंड पे जो राइट साइड है ग्राउंड की, वो पूरी जल चुकी है। लोगों का लाखों की इन्वेस्टमेंट है, लाखों का। अभी आगे कुछ डेज में ईद आने वाली है, लोगों ने लाखों रुपया कैश, लोगों की वो कैश पड़ा हुआ है शॉप से। तो अब पता नहीं ये अब ना हमें अंदर जाने दे रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि ये अब हमारे सर कह क्या। तो अब ये कहना कि क्लियर करेंगे कि कौन दुकानदार है फिर ही अंदर जाने देंगे, ऐसे तो फिर वो देखें उस पर जितना आप समझ सकते हैं, जितनी हमें पेन है आप ये बेहतर समझ सकते हैं। हम लोग अब वो तो ये जो पुलिस वाले हैं इन्होंने देखना है जो भी के कौन गैर मुतलका बंदा है। ये जितने भी बंदे खड़े हैं ये हमारे शॉपकीपर भाई हैं जिनको ना अंदर कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दें, इस वक्त आग आग काबू आ गया हुआ है, उस वक्त नहीं जाने दिया, इस वक्त दोबारा फिर आग लगी हुई है। हम कह रहे हैं जिनका माल बच गया हुआ है हमें अंदर जाने दें, काइंडली जो हमारा जिन जिन लोगों का माल बच गया है वो निकाल लें। कल को फिर आप कहेंगे घंटे बाद फिर आग लगी है जी, जो बचा हुआ है हम वो तो निकाल लें। जो सेव करवाए ना, जो सेव है वो तो सेव होता है, इधर से ही चल रहा है भजन, देखें डेली बेस का, ठीक है। तो जिनके पास जो सी सेविंग है, जिसके बच गया वो तो निकाल ले, कम से निकालने के हकदार है ना। हम कह रहे हैं ना वो सारे लॉजिक, हम डेंजर जोन से बाहर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग भी ठीक है और बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ का, आप कैमरा दिखा सकते हैं, कोई धुआं तक नहीं है यहाँ पे आग। अगर आप ये ऑक्सीजन का लेवल कोई कहे तो 3 घंटों से ये जो SHO हैं इन्होंने हमें कहा आप अपने शॉपकीपर लदा करें, हम उनसे बातचीत करते हैं। 3 घंटे से हम वेट कर रहे हैं, आप ये देखें कि 3 घंटे से हम ये वेट कर रहे हैं कि यार अब हमें जाने देते हैं, अब हमें जाने देते हैं। इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कैश है, हमारा कुछ थोड़ा बहुत जो बच्चों को भेजे हम कुछ स्टॉक अपना कर लें, कुछ हमें माल परचेस किया हुआ है ईद का, लोगों ने करोड़ रुपए का ईद का माल करोड़ रुपए का परचेस किया, वो कहीं को जल गया हुआ, कहीं को जो बच गया हुआ, हम कह रहे हैं काइंडली वो तो हमें निकालने दें। अभी थोड़ी देर पहले फिर आवाज़ आई है जी, फिर अंदर से कहीं से शोला भड़का है, फिर आग लग गई है। हमें 1 घंटा फ्री मिला है, हमें कहा उस 1 घंटे के अंदर हमें माल निकालने नहीं निकालने दिया, दोबारा फिर आग लग गई है। कल को 1 घंटे बाद फिर कहें जी सारा उधर से भी आग लगी, उधर से लग गई, तो टोटल जल गया है, हम कहाँ जाएंगे फिर बाद में। एक दुकान पे कम से कम कुछ नहीं ना 50-50 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं है। कैसे आप दे सकते हैं, ये लोग दे सकते हैं 50 लाख? कोई भी नहीं दे सकता, बस यही पेन है और क्या यार। कभी इस तरह हुआ है कोई शॉर्ट सर्किट? इसमें ऑलरेडी आग लग चुकी है, आपके इलम में होगा, गुलबर्ग पेस तो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ, रेनोवेट हो गए वो तो हुए नहीं। उधर सारे शॉपकीपर वो भी हमारे भाई हैं, हमारे कुछ शॉपकीपर भाइयों की उधर भी शॉप्स थी, तो वो सारा सारा जल चुका है। अब हम तो इस चीज़ से आगे गुजर चुके हैं, हमें पता है। हम लोग कह रहे हैं कि यार हमें कम से कम बोस आप हमें हमारा कैश और थोड़ी बहुत चीज़ें निकाल लेने। जारी हमारा मुतालबा ही सिर्फ ये है वेस्ट मैनेजमेंट से और जो हमारे इधर हमारे जो मौजूदा जो है हमारे काम है, ठीक है कि हमें जो हमारे दुकानदारों का माल बच गया है वो हमें निकालने दिया जाए, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम चले जाएं घर तो फिर आग लग जाए, तो कौन जिम्मेदार है? हम इन्हें यही कह रहे हैं, हमारा इनसे कोई बहस नहीं है, जो हमें थोड़ा बहुत कंपनसेट कर सकते हैं वो हमें कर दें, जो हमारा थोड़ा स्टॉक है और कैश का मामला है हमें अंदर जाने दें। जो हमारी ये इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये पुलिस वगैरह इनका काम है, हमने तो उन्हें साइड पे नहीं ना करना, हमारा तो वो शॉपकीपर वाले बंदे हैं, हमने यहाँ से कमाना है, मेरा काउंटर सर ठीक है, मैंने डेली कमाना है और डेली खाना है। अब मुझे बताएं कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे, अब ये 10 दिन कहेंगे, 5 दिन कहेंगे, 15 दिन 20 दिन हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हमने तो 1500 से डेली कमाने और डेली बच्चों के लिए रोजी लेके जानी है, मुझे बताएं कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि जी आप बस स्टे करें, हम आपको देखते हैं देखते हैं, ये पिछले 2 से 3 घंटों से ये बात चल रही है। जी नाज़रीन बिल्कुल, इस वक्त हम
मॉडल टाउन लिंक रोड पेस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन कुछ दुकानदारों के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि 3 फ्लोरों पे आग लग चुकी है। कुछ मुख्तलिफ लोगों के अभी दादो शुमार हैं कितनी दुकानों में आग लगी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि अभी हम दुकानदारों को इसलिए अंदर नहीं जाने दे सक रहे क्योंकि यहाँ पर बाहर रश है। अगर हम ऐसे कह देंगे कि जाके यहाँ पर अपना सामान निकालो तो ऐसे खुदा ना खास्ता कोई और भी नुकसान हो सकता है, कोई और भी अंदर जाकर अंदर से सामान निकाल के दे सकता है। लेकिन जब तक हम क्लियर नहीं कर लेते कि कौन दुकानदार है और वो उसकी वाकई में उसी की ही दुकान है, तब तक हम किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के पास।